आउज़बिल्ल बसमिल्ल रही क्या हाल है दोस्तों उम्मीद है सब खैरियत से होंगे आपके लिए लेके आए थोड़ी सी हिस्ट्री मुख्तर थी अलमारूफ दात गंजब्श्श आपका असल नाम था अली बिन उस्मान हजबरी आपके वालिद का नाम उस्मान बिन अबी अली जलाबी अल गजनवी था क्योंकि आप गज़नी के रहने वाले थे

आपके मुर्शद ने आपको हुक्म दिया कि आप लाहौर चले जाएं तो आपने इशाद फरमाया कि वहाँ पर तो मेरे अभी पीर भाई जिनसे हैं हज़रत मीरा हुसैन जनजानी रमत मौजूद हैं तो मुर्शद ने कहा कि सवाल मत करें और आप चले जाएं तो जब आप लाहौर पहुँचे तो रावियों ने ये लिखा कि जब आपने लाहौर है रावी क्रॉस किया दरियाए रावी तो जब लाहौर के करीब पहुंचे तो आपने एक जनाजा देखा जो आपके पीर भाई का था हज़रत मीरा हुसैन सिंह का और वो आपने उनका नमाज़ नमाजनाजा पढ़ाया और फिर लाहौर में आपने सकूनत फरमाई और जहाँ पे आपने दीन इस्लाम का परचम लहराया हजरत अली हजवेरी अलमारूत आता है गंजब्श्श अपने मुर्शद हज़र फजल बिन हसन खत्री और उनके पीर हजरत शेख खज़र और उनके पीर हजरत शेख अबू बकर शिबली ये सिलसिला उनका मिलता है तो आप अपने मुर्शद के अलावा भी कई बुज़ुर्गों मशाह कामदीन से आपने सोबत इख्तियार की और आपने अलूम सीखे जिनमें जो मेजर नाम है नुमाया नाम जिनसे हैं वो हैं हज़रत शेख अबुल कासिम गुरगानी अबू सईद अबूल ख़ैर और हज़रत अबुल कासिम अल कशहरी आप जब लाहौर में आए तो बड़ा मशहूर वाकया जिन सा है आपका और करामत जन सी है वो ये है कि यहाँ पे एक जादूगर था वो तो उसके पास एक गुजरी जो थी वो दूध लेके जा रही थी तो आपने उसे रोका और दूध चेक किया तो जब वो दरबार की जब वो उस जादूगर की तरफ जाती थी तो वो दूध खून बन जाता था जब वापस आपकी तरफ आती थी तो दूध बन जाता था लामाला वो आपको दूध दे गई और इस किस्म की बहुत सी कराम आपसे जाहिर हुई तो जादूगर ये समझा कि माजल्लाफल कि आप भी कोई करिश्मा या जादू कह रहे हैं तो वो आया और आके उसने मजमा इकट्ठा किया और उड़ के दिखाया तो सरकार ने अपनी खड़ाओं को कहा कि इसको उतार के लाओ वो जूतियाँ उसके सर पे लगीं और वो नीचे आया और उसने माफी मांगी आपसे और मुशरफा इस्लाम हुआ आपका पहला खलीफा वही था और आपके मजार के मुजाविर उन्हीं की नस्ल से चले उनका नाम रखा गया मुसलमान होने के बाद हज़रत शेख सर हिंदी रहमा आपके मौजूदा मजार में आपके बाएं पहलू की तरफ हज़रत शेख सर हिंदी का मज़ार भी है क़ब्रवर है उनकी भी तो ये रूहानी लोग तोद तो को प्यार करने वाले इन्होंने मज़ब की ख़िदमत की तो मालिक ने इनके मज़ारों को रोशन किया हुआ लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो बर सग़ीर पाको हिंद में ओलियाल ही ने मज़ब को फैलाया और मज़ब का प्रचार किया इसका मतलब ये भी साबित होता है कि वली जो है वो बग़ैर इलम के नहीं होता ये पढ़े लिखे लोग थे हस्तियां पढ़ी लिखी हस्तियाँ निशापुर ही पढ़ी रसाला सफीनातलौलिया में दारा शिको ने आपकी बहुत तारीफ की लेकिन सफीनातुलौलिया में उसने लिखा कि आपका मज़ार लाहौर के किले के मशर की जानेब शुमाल की जानब या मशर की जानेब उसने लिखा एक टीले पे तो लोगों को ये गलत फहमी पैदा हो गई कि शाही किला जबकि उसने लाहौर का किला कहा उसमें लाहौर के किले से मुराद था कि जो लाहौर है उसके जो दरवाज़े थे बारह पुराने वो एक लाहौर का किला था शाही किला सिर्फ़ शाही फैमिली और फ़ौज के लिए होता था तो वहाँ पे शाही किला नहीं कहा गया तो मौजूदा जहाँ आपका मज़ार है बेसिकली वही आपका मज़ार है और उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है इसमें इस सरकार के मज़ार की जिनसी ये पुरानी कदीम तस्वीर भी डाली गई हैं ताकि आप लोगों को पता चले जब आपने यहाँ पे एक मस्जिद तमीर कराई तो मस्जिद में जो लोग आए उन्होंने एक मसला खड़ा कर दिया कि जी किबला जिन है वो दुरुस्त नहीं है तो आपने फरमाया कि नमाज निकलती जाती है तो आप नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद कबले की समत का तयन कर लेते हैं नीयत बांधी गई और हकयात लिखने वालों ने ये लिखा कि जब आपने सलाम फेरा तमाम जमात ने तो सलाम फेरने से पहले पहले तमाम ने किबले को देख लिया था नमाज़ में और इस बात की कन्फर्मेशन हो गई कि किबला दुरुस्त है ये बात भी बहुत मशहूर हुई आपकी आपने बहुत से ए, जन से थे। गैर मुस्लिम वो आपके हाथ पे बबरफ इस्लाम हुए आपकी मतद्द कराम जो सी हैं वो लिखने वालों ने लिखी हैं और एक रवायत में ये भी आता है कि हज़र ख़्वाजा मोनुलद्दीन चिश्ती अजमेरी जो थे वो आपके मज़ार के पास आके तो उन्होंने यानी आपके वसाल के बाद वहाँ पे चिल्ला काटा और चिल्ला काटने के बाद आपको वहाँ से फ़ैज़ मिला और फ़ैज़ मिलने के बाद आपने कहा एक ये शेर है वो मंसूब ही ख्वाजा साहब से है गंज बख्शे आलम मजहर नूर ख़ुदा कामिलारा पिर कामिल कसारा रहनुमा तो कुछ ने ऐसे लिखा और कुछ ने लिखा कि गंज बख्शे फैज आलम मजहार नूर खुदा ना नाकसारा पीर का ये दोनों तरीके से कई जगह पे मुख्तफ तरीकों से लिखा गया तो आपका वसाल जो सा है वो चार सौ चौसठ हिजरी में हुआ लेकिन सफ़ीना तो तोलिया में चार सौ छियासठ और अखबार और नफास के मौलुफीन ने चार सौ पैंसठ हिजरी तहरीर किया है लेकिन जो ज़्यादा मुस्ंद माना गया है वो चार सौ चौंसठ हिजरी आपका मिसाल का साल तस्लिम किया गया आपने बहुत सी किताबें वग़ैरह लिखी लेकिन, लेकिन कुछ ज़्यादा जो थी वो सेव नहीं हो सकी वो मिल नहीं सकी कुछ लोगों ने आपकी कुछ कुतुब को अपने नाम से भी प्रिंट कर दिया या आपने किसी जगह पे दाता ज़ोर की ये तहरीर मिलती है कि निशापुर में जो आपने लिखी वो कुछ और लोगों ने अपने नाम से मंसूब करके तहरीर करवा दी तो अपना ख्याल रखिएगा फिर होगी मुलाकात खुदा हाफिज़